नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। 3 दिसंबर का दिन ये कह लीजिए बीजेपी के नाम रहा। 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद बीजेपी वाहवाही तो बटोर रही है, जश्न का माहौल भी देखा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। और ये चुनौती राजस्थान में आकर और भी ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5-5 दावेदार हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। और इनमें 3 नाम तो ऐसे हैं जो सबसे आगे चल रही हैं, जैसे वसुंधरा राजे। कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री को एक बार फिर से मौका मिल सकता है और महारानी एक बार फिर से राजस्थान की मुख्यमंत्री बन सकती है। दूसरे नंबर पर चल रहा है भगवाधारी बाबा बालकनाथ का नाम, जिनकी बुलडोजर नीति की हर तरफ तारीफ हो रही है, जिनको योगी आदित्यनाथ से कंपेयर किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था को अगर दुरुस्त करना है तो महारानी नहीं चाहिए बल्कि बाबा बालकनाथ चाहिए, जो जमीन से उठे हैं, इसीलिए जमीन की दिक्कतों को वो समझेंगे। इसके अलावा तीसरा नाम चल रहा है किरोड़ी लाल मीणा का। इन सब के अलावा अब बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है, जिसके बाद खबर ये मिल रही है कि एक तरफ अमित शाह ने बालकनाथ को दिल्ली बुलाया, वो दिल्ली पहुंच भी गए, और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे से लगातार मुलाकात कर रहे हैं पार्टी के बड़े बड़े नेता। अब असमंजस की स्थिति है बीजेपी आलाकमान के सामने। वसुंधरा राजे को दरकिनार करते हैं तो उनका गुट नाराज हो जाएगा, जबकि बालकनाथ को नजरअंदाज करते हैं तो शायद राजस्थान की जनता नाराज हो जाए। क्योंकि आप सोशल मीडिया पर जाइए, एक्स प्लेटफॉर्म खोलिए, आपको बालकनाथ ट्रेंड करते हुए मिलेंगे। लाखों पोस्ट अब तक इस ट्रेंड का इस्तेमाल करते हुए हो चुके हैं और एक ही आवाज बुलंद की जा रही है, आवाज है कि बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच अब आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि वसुंधरा राजे से कौन कौन से नेता बार बार मुलाकात कर रहे हैं और इसके सियासी मायने क्या है। सबसे पहले तो आपको बता दें, वसुंधरा राजे से लगातार नेताओं के मिलने का दौर जारी है। कौन कौन से विधायक उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं ये अब आपको बता देते हैं। हाल ही में वसुंधरा राजे के आवास पर उनके करीबी विधायक और पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ पहुंचे। इनके अलावा बाबू सिंह राठौड़, प्रेमचंद बैरवा, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी सहित कई बड़े नेता शामिल हैं। इसके अलावा झालावाड़ के मनोहरपुर थाना विधायक गोविंद रानीपुरिया, किशनगंज विधायक ललित मीणा, अंता विधायक कंवरलाल मीणा, बारा विधायक राधेश्याम बैरवा, डग से जीते कालूलाल मीणा भी सिविल लाइन उनके आवास पर पहुंचे। इसके अलावा गुड़ा मलानी विधायक के बिश्नोई, पुष्कर विधायक सुरेश रावत, बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा भी वसुंधरा राजे से मिलने के लिए पहुंचे हैं। जिस तरीके से ये विधायक वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे अमित शाह के आगे फेल होती हुई दिख रही हैं। कहा तो ये तक जाने लगा है कि अमित शाह के आगे वसुंधरा राजे की एक नहीं चल रही, और इसीलिए उन्होंने भी अब ये मान लिया है कि अगर बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगी। इसीलिए दबी जुबानों में सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के गलियारों में भी ये खबरें हैं कि बालकनाथ के आगे वसुंधरा राजे खुद को असहाय सा महसूस कर रही हैं। अब सवाल उठ रहा है कि अगर पार्टी बालकनाथ को मौका देती है तो क्या वसुंधरा राजे और बालकनाथ के बीच तकरार शुरू हो जाएगी? अगर पार्टी किसी और को मौका देती है तो क्या पार्टी की अंदरूनी कलह सामने आ जाएगी? देखिए, राजस्थान एक ऐसा हॉट राज्य कहा जा सकता है जहां पर इस पद के लिए हमेशा दो दिग्गजों में लड़ाई देखी गई है। कांग्रेस के वक्त में भी हमने देखा सचिन पायलट बागी हुए वे नजर आए, और अब यही स्थिति बन रही है बीजेपी के सामने। अब इस स्थिति से बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह सबको कैसे निकालेंगे देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि एक तरफ बालकनाथ को दिल्ली बुलाया गया है तो वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे से इन विधायकों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है, और इसके राजनीतिक मायने क्या है आप भी बखूबी समझते हैं। फिलहाल अब आप बताइए, आप पर छोड़ देते हैं, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए आपके हिसाब से?